तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और थोड़े से रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ नई चीजों को भी हम आज देखेंगे। चलिए कोई प्रार्थना पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिस्म प्रभात निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। कुछ प्रोनाउंसिएशन धन्यवाद। का ध्यान रखेंगे प्रार्थना में। अगली बार से जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे गंगा जी को तो पता ही होगा इसके बारे में। जैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं प्रार्थना की, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये निर्विघ्नं कुरु मे देव लिखा है ना, सेकंड लाइन में। जी मैम। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ये निर्विघ्नं कुर्मे देवा ऐसे लिखा हुआ है। हमने एक आपको रूल बताया था कि जब भी कभी अनुस्वार आएगा, ये जो अनुस्वार है यहाँ पर, ये जब आएगा तो इसके बाद का जो वर्ण आता है, ये जो वर्ण है ये किस वर्ग का है, उस वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो यहाँ पर प्रनाउंस किया जाएगा अनुस्वार की जगह। तो ये का वर्ग है, तो का वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो होता है अंग, ऐसे करके होते हैं का खा गा गा। तो ये यहाँ पे निर्विघ्नं कुरुमे देवा ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी। हाँ जी। तो ये प्रोनाउंसिएशन के थोड़े से दोष होते हैं जो अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अब आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, विद्यारम्भम करिष्यामि, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, अनुस्वार, और यहाँ क्या है, का वर्ग। का वर्ग में क्या यूज करेंगे, अंग। तो क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, विद्यारंगं विद्यारंभ। विद्यारंभं। हाँ, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। तो ये रा जो है उसको भी प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रा का प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखेंगे सब लोग कि कैसे रा का प्रोनाउंसिएशन करना। यहाँ पर सिद्धिर भवतु मे सदा, ऐसे यहाँ पर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं। ब्रेक करने का मतलब है कि हम एक सेट बना लेते हैं। जैसे ये वक्रतुंड महाकाय लिखा हुआ है, तो वक्रतुंड महाकाय यहाँ तक और फिर ये है यहाँ तक, इसी प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ब्रेक करके पढ़ते हैं तो हमको आसानी हो जाती है पढ़ने में। इसीलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना है। अभी श्लोकों को और इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है ब्रेक करके, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक चीज और है जो इसमें आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है शांति ही शांति ही शांति ही, ये 3 बार लिखा हुआ है। जब भी कभी विसर्ग आता है, ये इसको विसर्ग बोलते हैं, जब भी कभी विसर्ग आता है तो ये देखिए हर एक में शांति के बाद विसर्ग लगा हुआ है।
विसर्ग जो है पहला ये वाला और ये वाला, ये दोनों चेंज हो जाएंगे और केवल लास्ट वाला बोलेंगे, लास्ट वाला विसर्ग बोले जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, ये जो विसर्ग है ये शा का रूप ले लेगा, तो इसी शा को थोड़ा सा प्रोनाउंस करेंगे। कैसे बोलेंगे देखिए, ओम शांति शांति शांति, एक बार बोल के देखें आप लोग। ओम शांति शांति हाँ, शांति ही। तो ये इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन के दोष होते हैं जो सर रूल हैं, तो आप लोग को हमने बताए भी थे, तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या 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 हम लोगों ने रूल बताए थे, तो ये उनसे ही गवर्न होते हैं, तो हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। पुनरावलोकन में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, वर्णमाला, वर्णों के वर्गीकरण, अक्षर शब्द वाक्य वर्ण विग्रह संयोजन, उनके उच्चारण पद्धति, वर्ण लेखन का जो सही तरीका है वो क्या है, वर्ण संयोजन के नियम क्या है, लिंग पुरुष वचन ये क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या है, वाक्य के जो प्रयोग हैं हम लोगों ने प्रथम पुरुष में देखे थे। फिर उसके बाद हमने प्रार्थना देखी जो अभी पढ़ी थी हमने, गायत्री मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें निकाले थे कि कितने अक्षर हैं उसके अंदर, वो एक एक्सरसाइज भी करी थी। वाक्य प्रयोग में फिर हमने मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को देखा कि उनके रूप में कैसे बनते हैं शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। फिर वेदों के बारे में हमने जाना, वर्णों के उच्चारण, स्थान, ध्वनिया, उनके व्यवहारिक शब्दों के बारे में थोड़ा जाना, धातु और प्रातिक प्रतिगम के बारे में जाना, कर्ता क्रिया और कर्म के बारे में जाना। फिर हमने पिछले दो सेशंस जो किए उसमें संधियों के बारे में जाना कि संधियां क्या क्या हैं। संधि में हमने दो सेशन किए हैं अभी तक, और उन दोनों ही सेशन में हमने देखा है कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं और स्वर संधि के क्या क्या रूप हैं, ये आपको बताए गए हैं अभी तक। व्यवहारिक शब्द कुछ यहाँ पर है जो आप लोग को सबको पता होंगे, एक बार इसको जल्दी जल्दी देखते जाइए, पढ़ते जाइए, मेरे ख्याल में सभी लोग पढ़ते जाएं तो जिसका मतलब सब लोगों को पता ही होगा, इनका एक एक बार सब लोग बोलते जाएं, जल्दी जल्दी बोलिए। अस्तु अस्ति इसका मतलब नहीं बताओ, बता दीजिएगा, सब लोग अपने माइक जो है अनम्यूट कर लें और बोलें। अस्तु यानी पूर्ण, अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है, अस्ति यहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, कहाँ 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 कौन कौन कह, पुरुषवाचक कह, अपि यानी और और अपि का मतलब है भी, भी यानी अपि भी, हाँ किंचित क्वचित किंचित थोड़ा, हाँ तदा वह वो कथम कहो कहना, कथम मतलब कैसे 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 स्वीकारना, स्वीकार करो, लाना लाना लाना, चित्रकार चित्रकार, भारवाहक चर्मकार, मोची मोची, नर्तक नर्तक, सैनिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, लिपिकार लेखक लेखक, नाट्य करने वाला, धीवर वो क्या कहते हैं, मच्छीमार मछुआरा मच्छीमार मछुआरा, स्वर्णकार सोनी सोनी सोनी, दुकान क्या याद नहीं आ रहा मुझे, दुकान दुकान मार्केट दुकान दुकान, हाँ हाँ
विक्रयी का वो पंसारी वाला बेचने सामान जो बेचता है बेचने वाला गोपाल गाय का पालन करने वाला गाय गोपाल का मतलब ग्वाला जो होता है उसको ग्वाला सेवक 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 अध्यापक शिक्षक शिक्षक लेखक लेखक किसान 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 प्रबंधक व्यवस्थापक व्यवस्थापक निर्देशक बताने वाला मार्गदर्शक पाचक यानी रसोईया चालक यानी चालक ड्राइवर 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 आरक्षक यानी सैनिक सैनिक रक्षा करने वाला है अर्चक पुजारी पुजारी अर्चक मतलब पूजा करने वाला एक वैद्य व्याघ्र सिंह शिकारी हाँ देखिए व्याघ और व्याघ्र ये दो पहले बड़े ध्यान से देखिएगा व्याघ्र जो है ये जो शिकार करने वाले होते हैं व्याघ्र होते हैं जो और व्याघ्र जो है वो होता है शेर के लिए यूज करते हैं उसको थोड़ा सा अंतर है उसको ध्यान रखेंगे सब लोग ये आकारांत में हम लोग कुछ शब्द आएंगे अभी हम लोगों ने जो देखा वो तो कुछ व्यावहारिक शब्द आए हम लोग देखते रहेंगे इस प्रकार से कुछ कुछ शब्द संधि प्रकरण में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो तीन प्रकार के हमने संधियां पढ़ी हैं इसमें स्वर संधि थी व्यंजन संधि थी और विसर्ग संधि थी तो हम लोग स्वर संधियों के बारे में पढ़ा है अभी तक उनका ही हम लोग रिविजन कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या है इनको जल्दी जल्दी देख लीजिए और इनको ऐसे ही याद रखेंगे ये स्वर संधियां हैं तो जो स्वर हैं वो हमारे पास ये पांच स्वर हैं अब इन पांच स्वरों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं वो एक अलग चीज है लेकिन स्वर यही है ये प्योर स्वर स्वर कहलाते हैं शुद्ध स्वर जो होते हैं वो यही कहलाते हैं आ ई ऊ ल और ल होते हैं अब इनमें जो संधियां होती हैं वो है सवर्ण दीर्घ संधि जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सवर्ण दीर्घ संधि में एक ही प्रकार के जो स्वर होते हैं उनके बीच में संधियां होती हैं उनके ह्रस्व और दीर्घ जब मिल जाते हैं कोई भी हो ह्रस्व हो या दीर्घ हो या उनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो उनका जो अर्थ बनता है वो दीर्घ स्वर ही बनता है उनके मेल से तो ये जिस प्रकार से हमारे पास आ और आ ह्रस्व ह्रस्व मिलता है तो दीर्घ आ बन जाता है ऐसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलेगा तो भी दीर्घ आ ही बनेगा इसी प्रकार से हमारे कोई भी कॉम्बिनेशन हो इनके बीच में दीर्घ उसका स्वर बनता है और ये स्वर वही होता है जो पहला है वही दूसरा होगा ये सवर्ण दीर्घ संधि कहलाती है गुण संधि में क्या होता है गुण संधि में हम जब आ ह्रस्व और दीर्घ उसके साथ में कोई अन्य स्वर लेते हैं अन्य स्वर का मतलब कि उसमें आ और आ नहीं हो ह्रस्व और दीर्घ आ नहीं हो उसके साथ में जब कोई संधि बनती है तो हमारे पास उसे एक नया स्वर बनता है तो जैसे आ और आ में जब आप ई लगाएंगे आ के सामने ई लगाएंगे तो ए बन जाएगा ऊ लगाएंगे तो ओ बन जाएगा र लगाएंगे तो अर बन जाएगा और र बनाएंगे तो अल बन जाएगा ये हमारे पास गुण संधि के उदाहरण है जिसमें आ ह्रस्व आ और दीर्घ आ के साथ में कोई भी अन्य स्वर आएगा तो उससे ए ओ अर अल ये बन जाते हैं वृद्धि संधि में जो हमने अभी तक बनाए हैं उन्हीं को इसमें जोड़ते हैं उनके योजन से हमारे पास एक नए स्वर बनते हैं और इन स्वरों में ए अगर होता है दूसरा बल तो आई बन जाता है ओ लगता है तो औ बन जाता है ये हमारे वृद्धि संधि कहलाती है तो ये तीनों जो है इधर आप देखिए ये आके कॉम्बिनेशन में है और जो पहला वाला है वो उसमें सवर्ण है वो तो इसीलिए उसके साथ में कोई भी स्वर आएगा वो अपने ही स्वर से जुड़कर उसका दीर्घ रूप लेगा इसीलिए उसको सवर्ण दीर्घ बोलते हैं और बाकी के जो दो हैं उसमें आ जो है आकार जो है उसका ह्रस्व या दीर्घ रूप किसी अन्य स्वर के साथ में जब मिलता है तो गुण संधि बनती है और जब गुण संधि के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ए और ओ है
उनको साथ में रथ लिए जुड़ते हैं तो वृद्धि संधि कहलाती है, उनके दीर्घ रूप बन जाते हैं, तो अहि औ बन जाता है। फिर हमने तीसरा चौथा है ये सॉरी नंबरिंग गलत है यहाँ पर, यर संधि है। यर संधि में हम ई और ई इकार के साथ में कोई अन्य स्वर ले रहे हैं। अब इकार देखिए पहले वाले में हमने दूसरे और तीसरे में लेफ्ट साइड में देखा था कि अकार के साथ में हमने इसको रूप बनाए थे, अब हम इकार के साथ में रूप बना रहे हैं। और जब इकार के आकार अब नहीं बनाएंगे, अब इकार उकार इन सब से बनेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से बन रहे। अब इसमें भी देखिए कि अगर अन्य स्वर है, अन्य का मतलब है कि ई के साथ में ई नहीं लगेगा, ई के साथ में ई लगेगा तो सवर्ण दीर्घ संधि बन जाएगी। इसलिए ई के साथ में कोई और दूसरा आए, दूसरा आने का मतलब है चाहे वो आ हो अकार हो उकार हो रकार हो लकार हो, वो कोई भी आएगा तो इसके साथ में वो ई की जगह या बन जाएगा, तो यकार बन जाता है, ई की जगह यकार बन जाएगा। फिर दूसरा है ऊ के साथ में, उकार के साथ में अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वा बन जाता है, तो बकार बन जाएगा। इसी प्रकार से र के साथ में अगर कोई आता है तो रेफा बन जाता है, इसको रेफा बोलते हैं। और लकार के साथ में जब कोई अन्य स्वर आता है तो लकार बन जाता है। तो यहाँ से या व राला यहाँ से बन जाते हैं, ये यण संधि है, यहाँ से याद रखिएगा, यण संधि में या व राला ऐसे करके बन जाते हैं, तो ये यण संधि है। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में अब हमने ए और ऐ जो हमारे बने थे, जो प्रोडक्ट हमारा बना था गुण संधि में और वृद्धि संधि से जो बने थे, उनको लेंगे अब हम और उनके साथ में कोई दूसरा स्वर लगाएंगे। जब उनके साथ में कोई भी स्वर आता है तो वो अय और आय में परिवर्तित हो जाते हैं, ए और अय की जगह अय और आय, इसमें से एक कोई भी लिखते हैं जो भी हो वहां पर। इसी प्रकार से जब ओ और औ उनके साथ में कोई स्वर आता है तो अव और आव ये बन जाता है। तो अयादि संधि में जैसे नाम ही से स्पष्ट है कि अय है इसके अंदर, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अय बनेगा, संधि के बाद में जो भी बनेगा वो अय बनेगा। और इसी प्रकार से अय आव ये बन जाएंगे। पूर्व रूप संधि, अब पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि पदांत में अगर पहला जो शब्द है उसके अंत में अगर ए आता है और उसके बाद में अगर आ आता है, अकार आता है ह्रस्व का, तो वो जो अकार आएगा वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह पर अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा, ये पूर्व रूप संधि कराती है। इसमें पूर्व रूप इसलिए बोलते हैं कि जो पहले वाला है पदांत ए जो जैसे लिखा हुआ है वही रूप रहेगा उसका, ये पूर्व रूप होता है, तो पहले वाला रहेगा और उसके बाद वाला गायब हो जाएगा, उसकी जगह पर अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। पद रूप संधि जो है इसमें पद मतलब होता है पाद, पाद वाला जो है वो रहेगा और पहले वाला गायब हो जाएगा, तो ये पर रूप संधि में है। तो पूर्व रूप और पर रूप से मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पूर्व रूप में पहले वाला जो रूप है वो रहेगा, तो पदांत में ए था तो ए रहेगा और दूसरा और उसके आगे आ रहा है वो गायब हो जाएगा, उसकी जगह अवग्रह का चिन्ह आएगा। पर रूप में बाद वाला गायब हो जाएगा और उसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा, तो पहले वाला जो हमने रूप रखा और दूसरा रूप रखा, बस इसको हमको ध्यान रखना है। अब ये जो है ये हमारे उपसर्गों के साथ में आते हैं, उपसर्ग जो है वो प्र उप अव इस प्रकार के से जो उपसर्ग हैं उनके साथ में अगर ए या ओ आता है, अगर ए या ओ आता है तो उनके जो रूप है उसमें से आ जो आएगा वो गायब हो जाएगा और उसके बाद ए और ओ ये उसमें बने रहेंगे, ये पर रूप संधि में आते हैं। और प्रकृति भाव संधि जो होती है वो सबसे सिंपल यही है, इसमें संधियां निषेध हो जाती हैं, मतलब कहने का है कि आ अकार इकार उकार कार इन सब के साथ में अगर र आता है लास्ट में तो इनका कोई भी एक कॉम्बिनेशन जो हो तो उसमें संधि नहीं करते, उनको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, तो ये संधि निषेध हो जाती है। तो ये आठों संधियां यहाँ पर आपको दी हुई है, अब इन संधियों को आप याद रखिए। हम आगे चलते हैं, विसर्ग संधि देखी थी, विसर्ग संधि में हमने क्या देखा था, पहला नियम था हमारा कि अगर विसर्ग के बाद में च या छ आए तो विसर्ग की जगह पे शाह हो जाता है, यहाँ में चा या छ आए तो पहले दो जो है वो अगर आते हैं तो शाह हो जाता है, अगर आता है तो ये शकार हो जाता है, ठीक है, एक शाल एक तालू का है और दूसरा मूर्धा का है। और फिर यह या था आए, था दादा नाम है तो इसकी जगह सकार, ये दंतव्य है सकार,
ये हो जाता है। तो ये श श स ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, किस में होते हैं, ये यहाँ पे विसर्ग संधि के हिसाब से होते हैं। तो अगर चा छा है तो शा हो जाएगा, राठा है तो शा हो जाएगा, और ताथा है तो सा हो जाएगा। ये नियम एक है, पहला नियम है। दूसरा नियम है, ये हम सब पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं जल्दी से। इसके बाद में ये जो शा शा सा आए, ये अगर विसर्ग के बाद आ जाए तो ये ऐसे ही एज इट इज बने रहते हैं। जो 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 विसर्ग है वो कन्वर्ट होकर इनका ही रूप ले लेता है। जैसे अभी हमने पिछले प्रार्थना में देखा था, वहां पे जब हमने शांति ही बोला था तो शांति ही उसमें विसर्ग लगा था, उसके बाद फिर शांति लिखा था जो शाह आया था। तो वो जो शाह आया वो विसर्ग के बाद आया, पहले यहाँ पे लिखा था शांति ही, ऐसे लिखा था शांति ही, और उसके बाद फिर से लिखा हुआ है शांति ही, तो उसमें शाह आया। तो ये विसर्ग के बाद, क्योंकि ये फिर से शाह आया, इसलिए ये जो विसर्ग है इस नियम के हिसाब से ये भी शाह का रूप ले लेता है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं शांति शांति ही। अभी क्लियर हो गया सब लोगों जी? लास्ट वाले में हम नहीं पढ़ते हैं, शाह नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? उसमें विसर्ग ही बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा है, दूसरा शाह नहीं आ रहा है लास्ट में। तो इसलिए केवल हम दो में यूज करेंगे, तीन में से दो में केवल उसको यूज करेंगे इस रूल को, और तीसरे वाले में रूल नहीं लगाएंगे। नियम तीन में देखिए, अगर विसर्ग के बाद में का खा या प फा, इसमें अगर कोई भी वर्ण आता है तो उसका कोई विकार नहीं, तो उसमें कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नियम चौथा ये कहता है कि अगर विसर्ग के पहले अकार हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष व्यंजन हो या हा हो, तो विसर्ग को के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग की जगह को लिख देंगे। अब यहाँ पर घोष व्यंजन क्या होते हैं? घोष व्यंजन जैसे अभी हमने पढ़े थे कि घोष व्यंजन जो हमारे तीसरे चौथे होते हैं नंबर के वर्ग में, वो वर्ण और या रा ला वा और हा ये मिलके हमारे टोटल घोष व्यंजन हो जाते हैं। अगर ये कोई भी आता है तो इसका नियम यही है कि विसर्ग के पहले अकार होना चाहिए, उसके पहले और कुछ कोई स्वर नहीं हो, इकार उकार कुछ नहीं हो, अकार ही होना चाहिए, और उसके बाद में घोष व्यंजन या हा हो तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। नियम पांचवा क्या कहते हैं कि पहले वाले देखे नियम चार में था कि अकार हो, यहाँ पर कह रहा है कि अकार ना हो, उसको छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो और फिर विसर्ग हो और उसके बाद घोष व्यंजन हो तो वो रेफा में कन्वर्ट हो जाता है। तो नियम चार और नियम पांच दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक में अकार लेना है और दूसरे में अकार के अलावा जो स्वर है बाकी के को लेंगे। तो अगर आकार लेंगे तो जो विसर्ग है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और अगर आकार नहीं है, इकार उकार अकार लकार कुछ और है, तो उस केस में वो रेफा में कन्वर्ट हो जाता है। ये नियम है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए कि इकार उकार अकार लकार ये सब कुछ आएंगे, घोष व्यंजन ये है आपके तीसरे चौथे यारा लावा हा, इनको मिलाकर घोष व्यंजन बनते हैं। और लास्ट देख लीजिए विसर्ग नियम, अगर विसर्ग के बाद में तकार शकार या सकार आए तो विसर्ग जो है वो शा या सा शकार या सकार का रूप ले लेता है। ये नियम छह कहलाता है। तो अब ये हमारे पास, हमने अभी तक सारे नियम पढ़े थे, तो ये स्वर संधि और विसर्ग संधि के नियम है। अगर इन नियमों को आप ध्यान में रखें तो हम आगे कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और आप भी आगे देखिएगा, उनमें आप लोगों को बहुत काम आएगा, ये शब्दों को तोड़ने में आपको मदद करेगा। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, अगले टॉपिक पर जो है कि कारक। आज हम लोग जल्दी से कारकों के बारे में जानेंगे कि कारक क्या हो गए हैं। देखिए कारक जो है वो जो देखिए कोई भी जब शब्द कोई भी जो हमारा वाक्य होता है उस वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं,
वो शब्द जो है वो किसी कर्ता और क्रिया के साथ में जुड़े होते हैं, कोई उसमें कर्ता होता है कोई क्रिया होती है और उसके साथ में बहुत सारे शब्द जुड़े होते हैं, तो वो जो क्रिया के साथ उन शब्दों का जो जुड़ाव है वो क्या क्या है, उनके जो वो जो शब्द है उनके साथ में क्या संबंध है, इनको ही हम कारकों के रूप में जानते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। तो ये उनके हैं। अब हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे राम ने रोटी खाई। अब राम जो है यहाँ पर उसका संबंध हो गया, किससे संबंध हुआ, रोटी से। तो राम ने रोटी, अब ये क्रिया आई उसके बाद में खाई, तो राम ने रोटी खाई, तो ये हो गया राम हो गया कर्ता, रोटी यहाँ पर कहलाएगी कर्म, और खाई ये क्रिया हो गई कि राम ने खाया, कुछ खाया, क्या खाया, किसने खाया, राम ने खाया, क्या खाया, रोटी को खाया, और क्या किया राम ने, खाया, तो ये क्रिया। तो क्रिया से सारी चीजें जुड़ी हुई, तो अगर हम क्रिया को देखेंगे हमको पता चल जाएगा कि उसका कर्ता कौन है, कौन उससे जुड़ा हुआ है, कौन वो क्रिया कर रहा है, और फिर उसने क्या क्या चीजें करी बाकी की। उसे देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां पर क्या है कि देखिए बीच बीच में ये चिन्ह आ रहा है, राम ने, तो ये जो ने है ये आपको बताता है कि इसके पहले जो आया हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसके जो पहले लिखा हुआ है वो कुछ ना कुछ उसका संबंध है किसी ना किसी से। अब वो कौन सा है वो पता नहीं है, तो इसको हम कारक, ये जो आते हैं ने को से, ये कारक हैं, ये आपको बताते हैं कि उसके जो पहले जस्ट पहले आ रहा है शब्द वो किस कारक को बिलोंग करता है, किस कारक से उसका संबंध है। तो ये चिन्ह आपको पहचानने हैं और इनसे ही आपको उनके कारक के बारे में पता चलेगा। अब जैसे कारक हैं, कर्ता के लिए हम कहते हैं ने का संकेत होता है, कर्म के लिए को का होता है, करण से, प्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, और अधिकरण में। ये हम लोग इसी प्रकार से बचपन में भी याद किया था, सब लोगों ने, कर्ता है कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, ऐसे हमको ये याद रखने। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी कि अगर आपने यहाँ देखा कि राम ने लिखा हुआ है, तो जो राम ने लिखा हुआ है उसमें जो ने संकेत आया है वो कर्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, राम ने, तो यहां से आपको कर्ता के बारे में पता चल रहा है कि कर्ता क्या है। रावण को, अब रावण को, रावण एक कर्म के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि रावण कर्म के रूप में आ गया यहाँ पर। और बाण से, आप देखिए से हो गया करण, तो यहाँ पे आपको कर्ता क्रिया कर्म करण ये सारी चीजें यहाँ से आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो यही चीजों को पहचानना है कि कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसके कारक कौन से हैं, तो उनके संकेतों से आपको कारक के बारे में पता करना है। अब यहाँ पर देखिए, कर्ता ने, ये लिखा है कारक और ये है उसका चिन्ह और उसका अर्थ है काम करने वाला। कर्म, कर्म में चिन्ह आएगा को या एक आएगा, क्रिया से प्रभावित हो जो भी हो रहा है वह कर्म है, वो किसकी जो है क्रिया हो रही है, किस चीज पर है, उसके लिए कर्म है। कर्म से के द्वारा, ये क्रिया का एक साधन है, यहाँ से के द्वारा, धनुष से, बाण से, गिलास से, ये क्रिया का साधन है, इसको यूज करके हम वो क्रिया कर रहे हैं। संप्रदान में को के लिए ए, ऐसे ऐसे संकेतों का इस्तेमाल होता है और इनके द्वारा संपन्न की जा रही है क्रिया, जिस चीज के लिए संपन्न की जा रही है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो संप्रदान में आता है। अपादान, अपादान में आता है से, इसमें अलग होने का भाव है, अलगाव, तुलना, प्रारंभ, सीखने का, जिसमें सिखाने आदि का बोधक होता है वो अपादान होता है। संबंध, इसमें हम अन्य पदों से पारस्परिक संबंध होते हैं। अधिकरण में, पर क्रिया का आधार, संबोधन में किसी को पुकारने या बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कारक हो गए। कारकों के बाद हम देखते हैं विभक्तियों को।
अब देखिए विभक्ति आपकी किताबों में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं आप लोगों को रूप दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से उनके रूप चलेंगे। ये राम के रूप लिखे हुए हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इनको जल्दी जल्दी? जी राम के रूप कोई पढ़ेंगे? पढ़िए रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामेः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। हाँ, अब देखिए अब इसी को इनके जो चिन्ह थे कारकों के वो इन कारकों के चिन्हों के साथ में इनको बोलिए। अब जैसे राम लिखा है तो राम ने प्रथम विभक्ति एक वचन में इसको कैसे बोलेंगे? राम ने ऐसे बोलेंगे जी। बोलिए पहले के लिए बोलिए क्या होगा ये? राम ने। राम ने द्वितीय में क्या बोलेंगे? रामम। रामम को क्या बोलेंगे? दो दो राम ना? नहीं नहीं ये हो गया राम राम क्या ये यहाँ पर पहला है? ये हो गया देखिए पहला राम ने, ये क्या हुआ? राम को कर्ता ने। हाँ। कर्म को जी कर्म से या के द्वारा तो रामे रामेण का मतलब क्या हुआ? राम राम से या राम के द्वारा जी। रामाय रामाय का मतलब क्या हुआ? रामाय कर्ता संप्रदान के लिए। हाँ कर्ता के लिए हो करण से फिर संप्रदान के लिए अपादान से रामात अलग होना ना राम से अलग होना। हाँ षष्ठी षष्ठी में क्या होगा? रामस्य रामस्य का मतलब संबंध संबंध। हाँ चिन्ह क्या है? काके की तो राम का। और सप्तमी हो गया उसके राम में या पर के लिए तो राम में या राम पर। तो इस प्रकार से जो ये विभक्तियां हैं इन विभक्तियों के जो शब्द बन रहे हैं यहाँ से इनको ध्यान रखना है। तो राम ने राम को रामेण राम से या राम के द्वारा रामाय राम के लिए रामात राम से रामस्य राम का या राम के या राम की रामे का मतलब हो गया राम में या राम पर। तो इस प्रकार से इनके जो अर्थ हैं वो आपको पता चल गए। अब जब अर्थ पता चल गए तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसी प्रकार से उनके सेंटेंसों में आप कर्ता का जब रूप यूज करेंगे तो कर्ता के लिए पहला प्रथमा विभक्ति का उपयोग करेंगे क्योंकि प्रथमा में होता है कर्ता कर्ता ने, द्वितीया में हो गया कर्म को, तृतीय में हो गया करण से। तो करण का जब रूप करेंगे तो वहां पे आप तृतीय लगाएंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचन डिपेंड करेगा आपका कर्ता या आपका जो भी सब्जेक्ट है वो एक वचन का है द्विवचन का है बहुवचन का वो आप अपने वचन देखते रहिएगा। लेकिन पहली जरूरत है ये है कि आप पहचानने की वो जो विभक्ति है उसमें कौन सी लग रही है, वो उसका रूप क्या है, उसका कारक क्या है। कारक को पहचानने के लिए उसके चिन्हों को ध्यान रखिए। चिन्हों को देखेंगे तो कारक पता चलेगा, कारक पता चलेगा तो उसको आप विभक्ति बताएंगे और विभक्ति से यहाँ पर आकर उसके वचनों में कौन सा वचन लगेगा उस विभक्ति का ये आपको देखना है। तो जैसे किसी ने बोला कि राम के लिए, अब के लिए किसके लिए आता है, किस उसका कारक क्या है उस चिन्ह का, के लिए का कारक चतुर्थी विग्रह रामाय कारक क्या है? कारक के लिए रामाय चतुर्थी विग्रह करता है कर्म को नहीं आपसे संप्रदान के लिए। हाँ वो कारक है, कारक को ध्यान रखिए। आपको विभक्ति नहीं बतानी है, आपको उसका रूप नहीं बताना है क्या है, आपको पहले चिन्ह देखना है के लिए, उससे पहले कारक देखना है। कारक देखिए क्या है तो वो संप्रदान है। संप्रदान आता है पांचवें नंबर पर, इसलिए संप्रदान आपको बताएगा कि कहाँ जाना है।
तो चौथे नंबर का है तो चौथे नंबर पे जाना है, पांचवे नंबर का है तो पंचमी विभक्ति लगेगी, छठे नंबर का है तो छठी विभक्ति लगेगी, ऐसे वहां से पहचानना है। तो यहाँ से जो हम लोगों ने देखा ये उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ से ये दूसरा हो गया, इसी प्रकार से ये तीन चार पांच छह सात ऐसे करके चलेंगे। तो ये आपको चिन्ह देखने हैं और चिन्ह देख के उसका कारक पता करना है। जब कारक पता चल जाएगा तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, और उस नंबर से आप यहाँ पर आएंगे, इसकी विभक्ति को देखेंगे कि वह नंबर कौन सा है, पहला है तो प्रथमा विभक्ति, दूसरा है तो द्वितीय विभक्ति, इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन विभक्तियां। फिर उनके आपको वचन देखेंगे कि वो जो है वो किस वचन में आपकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इतना इस टेबल तक पहुंचने के लिए इतनी चीजें आपके मन में चलनी चाहिए, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ से देखेंगे, अब इसमें से जो शब्द हैं वो देखिए, रामा प्रथमा विभक्ति जो है वो कर्ता के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आपको कारक पता होने चाहिए कि प्रथमा जो है वो कारक के लिए है, द्वितीय किसके लिए है, कर्म के लिए है, तृतीय किसके लिए है, करण के लिए है। तो जब ये आपको पता चल जाएंगे तो यहाँ से कर्ता को पहचानना आपको आसान हो जाएगा। तो कर्ता के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, पहली लाइन में जो लिखा हुआ है रामा रामो रामा, यहाँ से ये सिर्फ कर्ता के लिए लाइन है, इसके अलावा कर्ता के लिए कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी, सिर्फ प्रथमा विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार से अगर कर्म है तो उसके लिए द्वितीय विभक्ति है, वो दो नंबर पे आता है कारक की टेबल में, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी और इसमें सिर्फ द्वितीय विभक्ति लगेगी। राम अगर कर्ता की तरह यूज हो रहा है तो प्रथमा, राम अगर कर्म की तरह यूज हो रहा है तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार से तृतीय लगती है करण के लिए, तो अगर करण के लिए से के द्वारा ये जो अगर चिन्ह है अगर उसके लिए यूज हो रहा है तो हमेशा करण लगेगा, और करण तीन नंबर पे होने के कारण विभक्ति की जो टेबल है उसमें तृतीय विभक्ति उसमें लगेगी। तो रामेण रामेण रामाभ्याम रामई, ये यहाँ पर उसके रूप बनेंगे। तो ये रूपों तक पहुंचना और ऐसे ही करण कारक और उनके चिन्हों से पहचानना और विभक्ति की टेबल के साथ उसका क्या संबंध है इसको जानना, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है जो आप लोगों को जल्दी जल्दी करना होगा कि हम लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ अब हम रूपों की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये अकारांत है, राम जो है वो अकारांत है, अकारांत होने के कारण इसके जो पुल्लिंग शब्द है इसके रूप ऐसे बनते हैं। तो यहाँ राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को बार बार यूज आएंगे, जैसे ये रामाणाम, यहाँ से ये रामेशु, ये हमारे आते हैं षष्ठी विभक्ति में, यहाँ से आपको रामस्य, ये आ गया संबंध के लिए, उसके बाद ये आ गया रामे, ये आ गया सप्तमी में। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये कर्ता के रूप है, कर्ता के रूप में आप लोगों को ये आएंगे, कर्म के रूप में आपको रामम यूज करना पड़ेगा, रामेण आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये रामान ये है। अब इतने बार बार आप जब भी कभी यूज करेंगे अधिकतर आपको ये यूज होंगे, यूज तो सारे ही होंगे लेकिन अधिकतर आपके केसेस के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा इनका उपयोग दिखाई पड़ेगा। तो इनमें जो रूप बन रहे हैं वो थोड़े थोड़े डिफर करते हैं, अकारांत इकारांत उकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसमें सब थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं, इसलिए आपको इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से दूसरा देखिए हरि के शब्द है, ये हरि के शब्द रूप जब आप बनाएंगे तो देखिए क्या बना, पढ़िए एक कोई दूसरा जना पढ़िए। कोई और अनम्यूट करें पढ़े। भोला वर्षा सेजल बहन पढ़ो, भाई लोग भी तो हैं भैया पढ़ो। हरी ही हरी हरयः
हरिम हरि हरिम हरिना हरिभ्याम हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेह हरिभ्याम हरिभ्यः हरेह हरि हरयोः हरिणां हरो हरे हरियो हरिषु हे हरे हे हरि हे हरे यः। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लग रहा होगा अगर आप देखेंगे तो, इसीलिए मैंने एक साथ लिखा हुआ ये सब। देखिए हरि है तो पहला तो आपने कर्ता देखा, उसका उसके आगे विसर्ग लग गया, तो राम था तो रामः था, हरि है तो हरि ही हो गया, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर, तो इसके रूप जो है वैसे ही बन रहे हैं। तो कर्ता प्रथम विभक्ति में हरि ही है वो वैसे ही रहा, लेकिन द्वितीय में देखिए द्विवचन में देखिए रामः रामौ, अब यहाँ रामौ है लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हरि इका राम था ह्रस्व था, अब यहाँ पर दीर्घ हो गए हरि 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 हरिया, तो यहाँ पर उसके कैसे रूप चेंज हो गए उसको देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दीर्घ हो जाता है, जो उस ई की मात्रा है वो दीर्घ हो जाती है। ऐसे ही देखिए दूसरा देखिए रामम, द्वितीय विभक्ति में है रामम रामौ रामान, अब यहाँ पर कोई और चेंज नहीं है, यहाँ पर वैसे ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हरिम, हरि के साथ में मां लगाना है। तो द्वितीय में आपको एक वचन बताया था कि जो भी शब्द हो उसका जो भी मूल शब्द है उसके साथ में मां लगा दीजिए, तो आपको द्वितीय का एक वचन का रूप मिल जाएगा। ये सबमें टू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ रामम था, राम के साथ में मां लगाया रामम हो गया, हरि के साथ में मां लगाया तो हरिम हो गया, और ऊपर का जो देखे द्विवचन में हरि था वो हरि ही रहा, तो हरिम हरि, अब यहाँ पर जो पुल्लिंग है उसमें हरि ही ना लग जाता है लास्ट में, तो ना लग जाएगा, तो हरि के साथ में ना लगा तो हरिम हो गया, राम के साथ में लगा तो माँ, देखिए जो राम था वो रामा, ऐसे ही रामा आकार हो गया, दीर्घ हो गया, ये उसके साथ में ना लगा, तो ये नकार जब लग गया तो रामान, ऐसे हरि का जब दीर्घ ई लगाया तो हरि, और उसके साथ में ना लगाया तो हरीन, तो यहाँ पर ये ना का संबंध है, इसमें ध्यान रखिएगा पुल्लिंग में यहाँ पर ना आता है। फिर देखिए रामायण रामाभ्याम राममयी ही, यहाँ हरि था वो हरि के साथ में राम लगा दिया तो हरिणा हो गया, हरिणा हरिभ्याम हरिभ, यहाँ देखिए रामयी था अकारांत में रामयी ही था, यहाँ पे हरि भी ही हो गया, क्योंकि ये इकारांत है, इकारांत में भी लोग लेते हैं, हरि भी ही हो गया। फिर देखिए रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, यहाँ पर हो गया हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, बाकी सब सेम है, रामाय के साथ में यहाँ पर भी या आ गया, केवल उसमें एक ही मात्रा हो गई, रामात है तो यहाँ रामात की जगह पर हरे हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अकारांत को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उन सब में पंचमी और षष्ठी के जो रूप है एक वचन के वो सेम रहते हैं, एक ही जैसे होंगे, तो पंचमी में यहाँ पे हरे हो गए, षष्ठी में भी हरे रहेगा, तो ये जो छोटे छोटे से डिफरेंस हैं इनको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आपके लिए सही रहेंगी। उकारांत है, अब इसमें देखिए गुरु शब्द है, गुरु में ऊ है, तो यहाँ से गुरु गुरु गुरुवा गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुवो गुरुणाम गुरो गुरुवो गुरु गुरुषु और हे गुरु हे गुरु हे गुरुवा। तो इस प्रकार से जो इनके शब्द बने उनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे ये शब्द बन रहे हैं और कहाँ से ये रूप चेंज हो रहे हैं, इनके जो रूप जो है इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इकारांत अकारांत इकारांत उकारांत इनको जब आप ध्यान रखेंगे तो आप बार बार जब प्रयोग करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, इनका और कोई तरीका नहीं है, इनको समझ लीजिए कि कैसे ये बन रहे हैं और इसके अलावा उनको ध्यान रखिए कि कैसे हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए गुरुभ्याम, ये तृतीय चतुर्थी पंचमी में सेम रहते हैं, इसी प्रकार से गुरुवो ये यहाँ पर इसको याद रखिए कि ये यहाँ पर सेम रहेगा, गुरुवो षष्ठी और सप्तमी में ये जो द्विवचन के रूप है वो सेम रहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए
ये कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो आप लोगों को यूज करने हैं और हमेशा इनको यूज करिएगा, इनको ध्यान रखेंगे तो आपको बिना देखे जब आप याद करेंगे ना तो ये संकेत जो है आपको बहुत क्लूज मदद करेंगे आपके। पंचमी और षष्ठी में दोनों के रूप सेम होते हैं, दोनों का नाम सेम होगा, गुरु गुरु हो रहा है। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए गुरु भी, ये गुरु भी, गुरु भी सॉरी ये गुरु भी के बाद में गुरुभ्या, ये जो गुरुभ्या है ये दो आते हैं यहाँ पर गुरुभ्या। और इसके अलावा जो ये गुरु राम और गुरुशु लिखा है इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमेशा लास्ट में माँ आता है गुरु राम और यहाँ पे शाह आता है गुरुशु, ये हमेशा कोई भी होगा उसके साथ में राम या शु या शाह ऐसे करके उसके साथ में लग जाता है। जैसे हरि था तो हरि राम, हरि था तो हरिशु, ये इसके रूप बन जाते हैं षष्ठी और सप्तमी में। तो ये सब में कॉमन है, अकारांत को अगर छोड़ दिया जाए तो अकारांत में भी आप देखेंगे तो ये जो बीच वाले हैं ये सारे कॉमन है। ये देखिए ये यहाँ पर कॉमन है रामेभ्यः, ये कॉमन है आपका यहाँ पर, इसी प्रकार से रामयोः, ये कॉमन है आपका यहाँ पर। इस लाइन में आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे खाली माँ लगाना है, दूसरे में जो पहला वाला है उसके साथ में माँ लगा देंगे तो आपको ये रूप बन जाएगा। यहाँ पे रामा है तो राम इसका हो गया, रामम हो गया। यहाँ पर अकारांत है तो ना लगेगा, यहाँ पर भी देख लीजिए सेम ही है, यहाँ पर रूल सेम है, हरी है तो हरिम हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आए क्योंकि अकारांत नहीं है तो ये जो इसका पंचमी और षष्ठी का रूप है ये सेम हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए यहाँ से ये सेम हो जाएगा, यहाँ पर हरिभी के बाद में हरिभ्यः है, ये देखिए ये सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे सेम हो जाते हैं। इकारांत है, अकारांत है, उकारांत है, उसमें यहाँ पर भी आपको ये सेम मिल जाएंगे। अकारांत इकारांत उकारांत ये देखिए द्विवचन के जो रूप हैं ये भी सेम हो जाते हैं। तो जब आप अपने मन से याद करेंगे रामा रामो रामा ऐसे करके जब याद करेंगे तो ये क्लू अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इन सारी टेबलों को याद करने, क्योंकि इनमें ये समानताएं हैं, समानताएं आपको बहुत मदद करेंगी। अब इसके बाद थोड़ी सी आपके खाली बस्ती है चीजें, जैसे प्रथमा विभक्ति है उसका एक वचन, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थी, सबके एक वचन जो है अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बाकी पूरी टेबल को याद करना आसान हो जाएगा। तो हमने अभी देखा पुल्लिंग के रूप देखे और इनको कैसे याद करेंगे ये हमने अभी समझा। अब ये समझने के बाद हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग में क्या हो रहा है। अब देखिए स्त्रीलिंग के रूप देखिए, यहाँ पर रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायहि रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाः रमयोः रमासु। अब इसको देख रहे हैं आप, इसमें भी देखिए सेम है, रमा यहाँ पे है, यहाँ पर उसमें माँ लगा दिया रमाम हो गया, यहाँ पर रमे है ये देखिए सेम है दोनों में, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी सेम है, यहाँ पे रमाभ्यः ये देखिए सेम है, यहाँ पे रमाभ्याम है ये भी सेम है, देखिए रमयोः ये भी आपका सेम है। पंचमी और षष्ठी के रूप सेम होते हैं, ये हो गए। यहाँ पे राम नाम लगाना है और यहाँ पे शू लगाना है, नाम और शू लगाना है। अब नाम जो है वो राम बनेगा, अगर उसमें कहीं रा आ रहा होगा रा शाह ऐसे कुछ आ रहा होगा तो वो राम बन जाता है, वरना वो नाम हो जाएगा। ये सकार लगेगा स्त्रीलिंग में और जो शकार है ये वाला ये लगेगा पुल्लिंग में, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर इस प्रकार के आपको संकेत याद हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, रिपीटिशन है लेकिन इनको ध्यान रखना है, रमाराम रमासु रमायाः रमायाम, इस प्रकार से आप लोगों को इनको याद रखना है। एक याद करने का एक और भी चीज है, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है रमाराम और यहाँ पर जो स्त्री भक्ति का रूप है, देखिए यहाँ रमायाम हो गए,
यहाँ पर राम नहीं है, यहाँ नाम नहीं आता, यहाँ पर ना की जगह या हो जाता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये मतलब कॉमन है, आप ये सारे रूल किसी भी स्त्रीलिंग के जो भी आपको शब्द मिले उसमें आप लगा दीजिए, आपको नहीं भी पता कि उसका क्या रूप बनेगा, कौन सी विभक्ति में कौन सा है। अगर ये चीजें आपको याद है आप अपने मन से बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा इकारांत उकारांत कौन सा ले रहे हैं, अकारांत ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, उसमें बस रूल लगा दिए, सारे आप अपने आप लिख के देखिएगा, सब ऐसे ही बन जाएंगे। संबोधन देखिए, संबोधन में बड़ा सरल है, संबोधन में ये देखिए लिखा हेद में जो रमा है, रमा का हो जाता है रमे, एक ही मात्रा हो जाती है, आती मात्रा यहाँ से चली जाएगी, आकारांत जो है वो हटके ए बन जाएगा, एकारांत हो जाएगा। देखिए दूसरा देखिए मति, मति में क्या है, सेम है, देखिए यहाँ पर भी हमने जब मति को यूज किया तो देखिए प्रथम विभक्ति में हम क्या यूज कर रहे हैं, मति ही, प्रथम विभक्ति में क्या है, मति ही, मति ही में ये देखिए मति ही, इसमें मां लगा दीजिए मति बन गया, तो ये देखिए दोनों उसके रूप सेम है। इसके बाद यहाँ देखिए मति भ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम है, मति भी के बाद देखिए मति भ्या, चतुर्थी पंचमी में ये सेम है, यहाँ देखिए मत्याह मते, कोई भी आप यूज करें, मत्याह जो है ये आपका यूज होगा यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए, और मतेह जो है वो जनरली यूज किया जाता है पुल्लिंग शब्दों में, एकारांत उसको बना देते हैं, तो ये वहां से अगर कभी एकारांत में यूज करना तो मतेह करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद मत्यो, षष्ठी और सप्तमी में ये दोनों सेम है द्विवचन में, यहाँ देखिए आपको बताया था मति नाम और मतीशु, अब यहाँ पर देखिए नाम है, यहाँ पे या लगा दिया मत्याम, मत्याम हो गया यहाँ पर, और स्त्रीलिंग में आपको बताया था कि अकारांत हो इकारांत हो यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर मति है तो मते हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ रमा था तो रमे हो गया। ये जो रूप है ये एकदम सबके लिए रूल सेम है, हर जगह आपको यही दिखेगा, ये देखिए धेनु का रूप देखिए इसमें उकारांत हो गया, धेनु का जो रूप है उसमें क्या हो क्या उसमें आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है धेनु, इसमें लिख दिया धेनु, उसके आगे रूप हो गया धेनु, ये सेम है, फिर धेनु भ्याम धेनु भ्याम धेनु भ्याम तीन बार आएगा, फिर नीचे आएगा धेनु हो, ये देखिए दो बार आएगा, फिर यहाँ पे धेनु भी क्या आया धेनु भ्याम हो गया यहाँ पर, ये सेम आएगी, इधर आइए यहाँ पे पंचमी और षष्ठी के रूप देखिए ये आपके सेम आएंगे, धेनु यहाँ पर हो गए, यहाँ देखिए धेनु है धेनु, अब यहाँ पे उकारांत हो गया तो ये धेनु हो गया, ऊ का ओ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, यह आपने अभी संधि में पढ़ा है, गुण संधि में आपने पढ़ा है, ई का ए हो जाता है ऊ का ओ हो जाता है, तो ये उस रूल से चेंज हो रहे हैं संबोधन, बाकी आपके ये सेम है, बाकी के जो रूल ये है ये आपके प्रथम व्यक्ति में जो है वही यहाँ पर है, ये खाली प्रथमा का जो एक वचन है वो यहाँ पर संबोधन में एक वचन में गुण संधि के कारण ये चेंज हो जाता है, तो धेनु का धेनु हो जाएगा, बाकी धेनु यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक वचन में द्विवचन में लिखा हुआ है ये धेनु, तो नीचे भी धेनु धेनवा यहाँ भी धेनवा सब में सेम है, तो इस प्रकार से ये आपके जो रूप है इनको याद करने की ट्रिक है, इसमें क्या है ये जो आपको ट्रिक है ये आप लोग की एक्सरसाइज है, इस पूरे हफ्ते में आप लोग अलग अलग रूपों को याद करिएगा, लिख के प्रैक्टिस करिए, बोल के प्रैक्टिस करिए, मैं तो बोल के करता हूँ जनरली, बोलते बोलते मेरे को रूप याद हो जाते हैं, एक साथ में कोशिश करिए कि आप लोग ये पूरी की पूरी टेबल एक टेबल एक साथ में बोले, जैसे रमा के रूप है रमा रमे रमा रमा रमे रमा रमे रमा भ्या रमा भी रमा ये रमा भे रमा भे रमायम रमा भ्या रमा भे रमायम रमे ओ रमा रमायम रमे ओ रमा सुहे रमे हे रमा, ऐसे करके उसको बोलिए, तो जितना जल्दी जल्दी बोलेंगे उतने जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो ये तो अभी आपको हमने विभक्ति इसलिए बताई कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये बैठ जाए
कि कहाँ रमाराम आ रहा है, कहाँ रमासु आ रहा है, कहाँ रमा भी आ रहा है, कहाँ रमा कहाँ रमाम, कहाँ रमयार कहाँ रमायी, ऐसे करके आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाएंगी, अभी बैठ जाएंगी। और अगर आपने अभी थोड़ा और अगले एक हफ्ते में हर दिन थोड़ा थोड़ा इन टेबलों को सारी टेबलों को अपने मन से याद करने की कोशिश करी, ये आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद। और संस्कृत में सबसे बड़ी चीज जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो यही है, विभक्ति और उनके रूप आपको अगर याद नहीं होंगे तो आप संस्कृत बोलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इनको जितना जल्दी हो सके इस हफ्ते में कोशिश करिए कि अभी मैंने आपको छह जो जो टेबल बताई है इन छह टेबल के रूप आप याद कर लें। अगले सेशन में आप चाहे तो सुना भी सकते हैं, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ पूछने के लिए, लेकिन आपके लिए एक्सरसाइज तो है ही कि आपको छह रूप याद होने चाहिए। हम देखिए अब इन अब चीजों का आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उपयोग करेंगे आगे की तरफ। यहाँ देखिए एक सुभाषितम लिखा हुआ है, ये सुभाषितम पढ़िए कोई। जल्दी से पढ़ कोई भी पढ़ो। उत्साहानाम नाथ से साध्यम नराणाम। हाँ तो देखिए जो ये सुभाषितम है, ये सुभाषितम में देखिए ये लिखा हुआ है सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम। ये क्या है देखिए, इसको देखिए क्या ये जो शब्द है वो बना है स और उसको में जोड़ दिया गया उत्साहानाम, उत्साह नाम, ठीक है। अब ये जो सा है ये क्या है, ये सा है बेसिकली सह वाला सा है, ये एक्चुअल में इसको हम लोग पढ़ते हैं सह, ऐसे पढ़ते हैं, ये सह वाला सा है। और इस सा को हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा सकार प्लस अकार, इतना तो सबको पता है, सकार और अकार में ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो सकार बना ये हुआ और ये जो आकार है ये इस ऊ के साथ में मिल जाएगा और यहां से एक संधि बनती है, ये संधि बनेगी आ और ऊ के साथ में, जब आ और ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। तो इस सकार के साथ में आप आ और ऊ को हटा के इसको जोड़ देंगे आ और ऊ की जगह, तो ये हो जाएगा सा में ओ जोड़ा दिया तो हो गया सो और ये हो गया सो नाम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि एक सोत्साह नाम का मतलब क्या है, स उत्साह नाम, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ। तो देखिए आप लोगों को सारी चीजें पता है लेकिन अगर आप शक्ति विच्छेद आपने अच्छे तरीके से दिमाग में रख लिया कि कैसे उसको अलग अलग करना है तो आपको वो सब दिखाई पड़ने लगेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा उसमें, खुद ही आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अभी स उत्साह नाम, उत्साह जो है उत्साह नाम, अभी आपने देखा ना नाम कहाँ पे आ रहा था, विभक्ति अभी पढ़ी नहीं, नहीं विभक्ति पढ़ी थी ना, विभक्ति में नाम बताया था ना, विभक्ति हाँ हाँ जी जी जी, अतृतीय विभक्ति में नहीं नाम, नाम आता है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का जो रूप होता है, षष्ठी विभक्ति जी 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 बहुवचन का जो रूप है नाम आता है। तो ये षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में किस लिए होता है, का कारक क्या है, उसके चिन्ह क्या है, का के की, का के की संबंध का के की, तो ये क्या हो गया उत्साह के, के उत्साह के सह मतलब साथ, उत्साह के साथ। अभी सब लोगों को मतलब समझ में आया इसका जी, बाकी लोगों को भी क्लियर है, जैसे वन्ना जी को क्लियर हो जी, जी। ऐसे आप लोगों को ब्रेक करना है तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को अधिकतर शब्दों के अर्थ पता है लेकिन एक साथ क्योंकि ये जोड़ के लिखे गए हैं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोगों क्या मतलब है इसका, समझ में नहीं आता, इसलिए जो संधियां हैं वो पढ़ना जरूरी है। अब देखिए दूसरी, हाँ जी बोलिए,
आचार्य जी, ये रसो उत्साह नाम आपने जो जो षष्ठी विभक्ति बताई तो ये क्या बहुवचन से होता है क्या? हाँ, बहुवचन का रूप है ना, उत्साह के साथ। उत्साह के साथ कैसे बहुवचन हो जाता है? अब आप में उत्साह एक थोड़ी ना होता है, आप कोई भी उत्साह में जब काम करते हैं केवल एक उत्साह नहीं रहता ना, खुशी जो होती है वो एक नहीं होती है, कई खुशियां होती है। ऐसे ही उत्साह जो होता है वो बहुत सारा जोर लगाते हैं आप ना, कई चीजें जब आपके मिल जाती तो आपको बहुत सारे उत्साह मिल जाते हैं, तो इसलिए उसका बहुवचन का रूप आता है, ये एक वचन का रूप नहीं है। ठीक है, ये ऐसे जो शब्द है हमेशा बहुवचन नहीं आते। हाँ, मतलब इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो बहुत सारी चीजें मिलकर एक साथ प्रकट होती हैं, तो वो उसको बोला जाता है। तो उत्साह जो होता है वो कोई एक चीज का नाम नहीं है। यहाँ पे राम जैसे है ना, दिखाई पड़ रहा है तो राम एक है कि दो है कई है ये आप देख सकते हैं, लेकिन उत्साह आप नहीं देख सकते। तो उत्साह जो होता है वो बहुत सारे अंदर से इमोशंस होते हैं उनके कारण बनता है, तो इसलिए उसको बहुवचन में उसको प्रकट किया जाता है। चलिए दूसरे देख, यहाँ पे लिखा है ना सात से साध्यम, तो ना सात से साध्यम में क्या है, यहाँ पर है ना, ना के बाद में लिखा है अस्ति, ना अस्ति और उसके बाद में लिखा है असाध्यम। ये लिखा हुआ है, अब इसको हमने पूरा जोड़ दिया इन तीन शब्दों को तो बन गया नास्ति साध्यम। अब देखिए ना जो है इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ना प्लस अकार, नकार प्लस अकार। अब ये अकार और ये अस्थि का जो अकार है ये मिलके सवर्ण दीर्घ संधि बनाता है, दोनों सेम है आ और आ में आ जुड़ा है तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ संधि हो गई, तो ये आ हो गया। तो आ को जब ना के साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ना, ये बन ना। अब देखिए नास्ति, अब यहां से जो ती है अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आ के आ को आपने निकाल दिया इससे, अब ये बचा आपका सकार, तकार और फिर बचा छोटा तो। ठीक है, अकार सकार तकार इकार, अब ये जो इकार बचा वो ई के साथ में आ जोड़ दिए अल्लाह, वो ई के आ जोड़ा तो क्या बना, या बड़ी ई, या ये ठीक है, ई के साथ में या, ई के साथ में आ बोलिए या, तो या बन जाता है, यहाँ से या बना, इसलिए यहाँ पर ना के साथ में सकार तकार आया, ये आया सकार और तकार और उसके बाद में आ गया यकार। अब यकार के साथ जब ये यकार बन गया तो यकार के साथ में ये जो अकार है ये इससे जुड़ गया और इसके इसने आपको ये वाला या बना दिया, यकार की जगह या बन गया, ये तो या साध्यम, ये पूरा ऐसे बन गया यहाँ से। और नराणाम, नराणाम अब देखिए फिर राम आया, राम क्या बताता है, कौन सी विभक्ति है ये, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का नर का रूप है ये, नर, नर का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप नराणाम। तो यहां से आप देखिए उसका मतलब आपको क्लियर हो गया, सोत्साहानाम, सोत्साहानाम का मतलब क्या हुआ, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ। नराणाम का मतलब क्या हुआ, नर, नर मतलब कोई भी मनुष्य, उसका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो कोई भी मनुष्य जो है अगर उत्साह के साथ कोई भी काम करता है ना अस्ति साध्यम, वो असाध्य नहीं है, कोई भी अगर आप उत्साह के साथ काम करें तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, उसको आप सफल होंगे उसके अंदर, उसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया तुम लोग, जी जी बहुत अच्छा। तो ये आपका जो है विभक्तियां
और उसके साथ में जो हम लोगों ने अभी तक संधियां पढ़ी हैं, संधियों को मैंने इसीलिए आप लोगों को अभी बता दिया, जैसे हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग कोशिश करिए कि संधियों को पहचानिए कि कहाँ पे कौन सी संधि है और कैसे वो शब्दों को तोड़ेंगे आप और उसमें कैसे शब्द बनेंगे उससे। इसके लिए ये सुबह आज का मैंने इसलिए दिखाया था यहाँ पर आपको, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। वैसे तो मेरे पास और भी स्लाइड्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग अगले सप्ताह अगले सेशन में उसको कवर करेंगे। हम लोग कुछ और सुभाषितम और इस प्रकार की चीजें हैं जो लेंगे। आप लोगों से उम्मीद ये मैं करूंगा कि आप लोग इस हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आप लोगों को कारक विभक्तियां और संधियां इन सबको आप लोगों को रिविजन करना है, रिवाइज करिए, उनको याद करने की कोशिश करिए। ऐसे बार बार बोलेंगे संधियों को, और जैसे मैंने ऑर्डर में संधियां लिखवाई हैं, संधियां इसीलिए ऑर्डर में आप लोगों को लिखाई हैं कि आपको जल्दी से याद हो जाए और उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े आपको। उनके नाम याद रखिए और उनसे किस प्रकार से पढ़ना है वो याद रखिए। इसके बाद जो विभक्तियां हैं, विभक्तियों को याद रखिए, विभक्तियों में जो उनके शब्दों के जो रूप हैं उनको याद करने की कोशिश करिए। ट्रिक्स आपको जो उसमें याद करने की है मैंने बता दी है। संधियों में बिल्कुल ट्रिक्स है याद करने की, इसीलिए एक आपको बताती है उनसे याद कर सकते। इस हफ्ते अगर आपने ये एक्सरसाइज हर दिन आधा घंटा एक घंटा आपने दिया संस्कृत को, तो आपका ये सप्ताह जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आपके लिए संस्कृत बोलने के और संस्कृत को पढ़ने के द्वार खोल देगा ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस सब चीज पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे इनको, और अगली बार हम जब मिलते हैं तो फिर इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे और फिर हम देखेंगे। अब यहाँ से कुछ और चीजों को देखेंगे, इसी प्रकार से हम श्लोक लेंगे, कुछ मंत्र लेंगे, जिनसे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे उनको पढ़ना है, कैसे उनके अर्थ निकालने। तो आज उसका एक इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को काम आएगा ये। जी महोदय, ठीक है, तो हम सेशन के लिए धन्यवाद महोदय। अगले हफ्ते के लिए फिर देखते हैं आगे और स्लाइड बनाऊंगा, फिर देखते हैं इसमें।